हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 69 हल करेंगे, 69 का कार्य पत्रक। बाकी के कार्य पत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दक्षता है कार्यपत्र 69 में आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है इसमें, एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले, यानी बच्चों ने ये बताए कि किसी का 2 रुपये है, किसी का 5 रुपये है, किसी का 7 रुपये है, ऐसे बताए। अब इनको इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। जैसे जेब खर्च रुपये में लिख रखा है 2, 4, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये। इनको यहाँ टेली मार्क करना है और यहाँ छात्र संख्या लिखनी है। अब जैसे 2 रुपये वाले छात्र कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, छात्र संख्या 5। 4 रुपये वाले 1, 2, 3, 4 और 5। 5 रुपये वाले 1, 2, 3, 4 और 5। 7 वाले यहाँ 8 छात्र हैं और 10 रुपये वाले इसमें देखना 10, ये 40 नहीं है, ये 10 है। 40 का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो 10 वाले 2 छात्र हैं। अब इनको टेली मार्क करेंगे, 5 छात्र हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 8 हैं तो 5 और 3, 8, ये 2 हैं। अब इनको देख कर सारणी को पढ़कर बताइए 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी 5 रुपये वाले कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। अगला है 10 रुपये जेब खर्च वाले कितने छात्र हैं, 10 रुपये 2 छात्र हैं। अगला सवाल है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र ये देखो 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 8, 23 और 2, 25, तो कुल छात्र कितने हैं, 25। दूसरा सवाल है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे, ये अंक दे रखे हैं, नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। जैसे अंक 2 के छात्र कितने हैं, अब देखो 2, 1, 2, 3, 4, 4 छात्र हैं। अगला है 3, 1, 2, 3, 4, 5। अगला है 4, 1, 2, 3, 4। अगला है 5 अंक वाले 1, 2, 2, 6, 1 और 2। अब इनका टेली मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, ये हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ये हो गए। आगे सारणी को पढ़कर बताइए सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा प्राप्तांक क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा छात्रों के, यानी देखो ये है सबसे ज़्यादा छात्र इसमें है 5, इनके प्राप्तांक क्या हैं, 3 अंक हैं इनके। अगला है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 अंक वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4। अगला छात्र कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इनको गिन लेंगे छात्रों को, 4 और 5, 9, 9 और 4, 13, 13 और 2, 15 और 2, 17, कुल छात्र कितने हैं, 17 छात्र हैं। अगला सवाल है 3 का, कक्षा 5 के छात्रों से
जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। सदस्य संख्या यानी दो सदस्य हैं, छात्र संख्या कितनी है? दो। दो छात्रों के परिवार में दो 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 ही सदस्य संख्या है। तीन के ये सात है, चार के दस है। देखो ये तो दस को टेली मार्क करेंगे, पाँच और ये दस, ये नौ है। तो एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ। अब इसको देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, योग करना है यहाँ पर। तो दो और सात नौ, नौ और दस उन्नीस, उन्नीस और नौ अट्ठाईस। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, यानी सबसे छोटा परिवार कौन सा है जिसमें सदस्य संख्या देखो दो ही है, इन छात्रों की संख्या कितनी है? दो है। दो छात्रों के परिवार में सिर्फ दो दो ही सदस्य हैं। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, ये देखो सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, ये पाँच सदस्य वाला, छात्रों की संख्या कितनी है इसमें? नौ। कक्षा की कुल छात्र संख्या, ये रही कुल छात्र संख्या अट्ठाईस।